हाल ही में ब्रिटिश एक्टर एमा वॉटसन ने इस तस्वीर को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया था। यह तस्वीर पर्यावरण संरक्षण के लिए किए गए एक ऐतिहासिक आंदोलन की तस्वीर है। आइए जानते हैं इस ऐतिहासिक आंदोलन के बारे में, जिसे चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। चिपको आंदोलन उत्तराखंड के चमोली जिले में साल 1973 में जंगलों को बचाने के लिए किया गया था। इस आंदोलन में अपने जंगलों को कटने से बचाने के लिए गांव के लोग पेड़ों से चिपक गए थे। इसी वजह से इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन पड़ा था। इस आंदोलन में महिलाओं की भी अहम भूमिका रही थी, जिनकी वजह से यह आंदोलन संभव हो पाया था। वह महिला थी गौरा देवी। गौरा देवी को चिपको आंदोलन की जननी और चिपको वुमन भी कहा जाता है। चिपको आंदोलन के तहत सबसे बड़े प्रदर्शनों में से एक प्रदर्शन 26 मार्च 1974 को उत्तराखंड के चमोली में हुआ था। इस आंदोलन का नेतृत्व चंडी प्रसाद भट्ट, गौरा देवी और भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। मार्च 1974 में सरकार ने रैणी गांव के 2500 पेड़ों को काटने का आदेश दिया था, जिसका ठेका साइमन गुड्स कंपनी को दिया गया था। 18 मार्च 1974 को साइमन कंपनी के ठेकेदार और मजदूर जोशीमठ पहुंच गए, जिसके बाद 24 मार्च को जिला प्रशासन ने चंडी प्रसाद भट्ट और अन्य साथियों को जोशीमठ मलाली सड़क निर्माण के लिए अधिग्रहण की गई जमीन के मुआवजे के सिलसिले में बातचीत करने के लिए गोपेश्वर बुला लिया। साथ ही यह घोषणा भी की कि गांव के किसानों को 14 साल से अटकी मुआवजे की राशि 26 मार्च को चमोली तहसील में दी जाएगी। इसी के साथ सरकार ने बड़ी चालाकी से 25 मार्च को सभी मजदूरों को रैणी जाने का परमिट दे दिया। मुआवजे की घोषणा की खबर सुनते ही गांव के सारे पुरुष 26 मार्च 1974 को चमोली चले गए। इसी दिन सरकार द्वारा जंगलों को काटने के आदेश पर मजदूरों ने अपना रुख रैणी गांव की तरफ किया। तब गौरा देवी इस आंदोलन का नेतृत्व करते हुए 27 महिलाओं को अपने साथ लेकर जंगल की ओर चल पड़ी। गौरा सहित अन्य 27 महिलाएं भी जंगलों की कटाई को रोकने के लिए पेड़ों से चिपक गई। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों से पेड़ों को काटने से पहले आरी खुद के शरीर पर चलाने को कहा। गौरा देवी और महिलाओं के इस हिम्मती साहस के आगे सरकार को झुकना ही पड़ा और इस प्रकार यह आंदोलन 2400 पेड़ों की कटाई को रोकने में कामयाब हो गया। इसके बाद हिमालय के क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई के खिलाफ 15 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया था। ऐसा माना भी जाता है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 और पर्यावरण मंत्रालय का निर्माण के पीछे का कारण चिपको आंदोलन ही है।